नमस्कार। इस समय हम छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर में हैं, जहां बरसों पुराना प्रसिद्ध अर्धकुमारी माता मंदिर है, जहां मां अर्धकुमारी ऊंचे पहाड़ पर विराजमान है। मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु जहां बच्चों एवं बच्चियों ने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से निर्माण सामग्री ऊपर तक पहुंचाने में मदद की, जिस निर्माण कार्य में आज एक अजीब चीज देखने को मिली, विवेकानंद हाई स्कूल हरपालपुर के सभी बच्चों द्वारा यहां लगभग 300 जीने हैं। इन सभी जीनों पर एक एक बच्चा खड़ा होकर जो ये निर्माण सामग्री ऊपर तक पहुंचाई है। क्या नाम आपका बेटा? किस स्कूल में पढ़ते हो? हम विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल हरपालपुर। आज आपने अर्धकुमारी माता तक निर्माण सामग्री पहुँचाई सभी छात्रों ने, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। अच्छा लगा आपको? विवेकानंद हाई स्कूल के द्वारा नगर में ऐसे सामाजिक कार्य हमेशा से किए जाते हैं। आज जो आपने अर्धकुमारी माता पे अपने स्कूल के बच्चों को लाकर जिस श्रमदान किया है, कैसे सोचाई, क्या कारण रहा इसके पीछे? पहले आप अपने स्कूल और आप अपना नाम बताएं। रमेश कुमार गुप्ता, विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल हरपालपुर, संचालक पद पर कार्यरत हूँ। जैसे ही इस कार्य की शुरुआत हुई अर्धकुमारी मैया पर निर्माण कार्य की, तब मेरे मन में विचार आया कि बच्चों से सेवा कार्य करवाया जाए, खुद भी किया जाए। कुछ लोग आर्थिक करते हैं, कुछ मानसिक करते हैं, कुछ शारीरिक सहयोग करते हैं, अपना भी थोड़ा सा योगदान हो और एक नई पहल की शुरुआत हो। कैसा लगा आज आपको, आपके इतने सारे बच्चे के पूरे जीने भी कम पड़ गए बच्चों के सामने, और श्रृंखला बनाकर आपने निर्माण सामग्री पहुंचाई? अब इसका माता रानी का आशीर्वाद है और बहुत ही अपार प्रसन्नता हुई है। आप नगर के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? तो चाहेंगे कि सभी लोग आकर के और माता रानी के यहाँ श्रमदान करें। श्रमदान भी एक बहुत महत्वपूर्ण दान होता है। अर्थदान के अलावा भी जो जिस चीज़ में सक्षम है उस प्रकार का सहयोग माता रानी के दरबार में करें, ताकि अपने हरपालपुर अपने नगर का गौरव बढ़े। यह जो ऊपर हमारे आप पहाड़ी पर जो माँ अर्धकुमारी माता मंदिर देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है, भक्तगणों का कहना है कि कटरा वैष्णो देवी के बाद माँ अर्धकुमारी माता का दूसरा मंदिर भारतवर्ष में सिर्फ यही है जो छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर में पड़ता है। हरपालपुर से अवधेश टिंकू साहू के साथ मैं दीपू सोनी, करारा न्यूज़।